Hey, what's up guys? कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल खान एडिट। और आज का हमारा वीडियो है सिंपल सी फोटो के बारे में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के हम लोग वीडियो में जानने वाले हैं कि यार बिल्कुल सिंपल सी फोटो कैसे एडिट करते हैं। यार आप देख सकते हैं, यार बिल्कुल सिंपल सी फोटो है ये, तो इसको हम लोग ब्लू स्काई एडिटिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप देखते हैं यहाँ पर कि हमारी ये फ़ोटो सेलेक्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका ये ट्रक और मॉडल और ये खंभा वगैरह, ठीक है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली। तो इसके लिए हम लोग इस टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ से आपको कंट्रोल प्लस से इसको जूम कर लेना है और इसके एक किनारे से आपको यहाँ टच करना होगा। इस तरह एक क्लिक करिए तो इसको सेलेक्ट कर लेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपना मॉडल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा होगा मेक सिलेक्शन, यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। इसकी फेदर आपको देखते हैं रेडियस के हिसाब से 0.1 मैंने रखी है, तो आप भी या ये रख सकते हैं तो इससे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया इसको ओके और हमारा ये सिलेक्शन बन गया है। अब जाना है आपको यहाँ पर, आपको जाना होगा यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल में और यहाँ से राइट क्लिक किया और यहाँ लिखा होगा लेयर व्यू कॉपी, तो यहाँ से इसको कॉपी कर देना है। अब हमारा यहाँ पर हुआ क्या है, हमारा ये लेयर कॉपी हो गई है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये चीज़ हमारी कट हो गई है, ठीक है। आसमान, अब हमें सारा काम इसमें आसमान में ही करना होगा, ठीक है। तो उससे पहले हमने फ़ोटो को अपने करना होगा हल्की सी रिटच। और यहाँ पर आप देखते हैं हमारा कैमरा फिल्टर ओपन हो गया है, तो इसकी हल्की सी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे और शेडो हल्की सी कम कर देंगे और ब्लैकनेस हल्की सी बढ़ा देंगे और क्लियरिटी कर देंगे हल्का सा कम, ठीक है। और यहाँ पर इसकी सेचुएशन में ऑरेंज कलर की सेचुएशन कम कर देंगे, इससे क्या होगा आपका जो चेहरे में लालपन है वो हल्का सा कम हो जाएगा। और यहाँ पर ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे यहाँ पर ऑरेंज कलर की हल्का सा, तो इससे क्या होगा हमारा चेहरा थोड़ा गोरा हो जाएगा। तो यहाँ से कर देंगे ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हल्का सा रिटच हो गया है। तो अब डालेंगे इसमें अपनी फ़िल्टर्स, ठीक है। यहाँ जाएंगे फिल्टर्स में और यहाँ निक कलेक्शन में जाएंगे, यहाँ से कलर इफेक्ट्स प्रो 4 ले लेंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर इफेक्ट्स प्रो 4 की विंडो हमारी ओपन हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कंट्रोल प्लस से हल्की जूम कर लेंगे ताकि हमारी फ़ोटो थोड़ी जूम दिखे। और अपने हिसाब से आप इसको फिल्टर्स मार सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसका कॉन्ट्रास्ट -6 में रखा है और इसकी ब्राइटनेस रखी है 10 पे और डार्क डिटेल एक्सट्रैक्टर रखा है 91 पे। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए, यहाँ से कर देंगे इसको ऐड, ठीक है। अब जाएंगे हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले फिल्टर्स में जिसका नाम है कंट्रास्ट कलर रेंज, यहाँ पर जाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जाने के बाद आपको देखते हैं हमारी चमक मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है फ़ोटो में, वाइटनेस बहुत आ गई है। तो इसको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस कम कर दें, ये चीज़ कम हो गई, ठीक है। और कंट्रास्ट तो बिल्कुल सही दिख रहा है, हल्का सा कम कर दें, ठीक है। और कलर कंट्रास्ट को अपने हिसाब से, फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 55 में रखी है, यहाँ से कर देंगे इसको डन। और फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं हमारा ये आसमान जो है वो हल्का सा ब्लू टाइप में हो गया है। फ्रेंड्स, हमें ये चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ से इसको कर देंगे मर्ज डाउन और इसको कर देंगे हल्का सा ब्लर,
गॉसियन ब्लर में जाएंगे, यहाँ से इसको कर देंगे अपने हिसाब से हल्का सा ब्लर, ठीक है इतना काफ़ी है, और यहाँ से कर देंगे इसको डन। और इसको हम लोग करेंगे जूम कंट्रोल प्लस से, और जहाँ आपको ये एजेस दिख रही है यहाँ पर हल्का सा गंदापन दिख रहा है, यहाँ इसको इरेज कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या होगा, ये जो ऊपर का मॉडल है ट्रक वगैरह है इसको भी फिल्टर डालना होगा, ठीक है। ये वाली लेयर वन है ऊपर रखी हुई, इसकी लेयर आप यहाँ देख के समझ जाइएगा, ठीक है। जाएंगे यहाँ पर फिल्टर्स में, फिल्टर्स में जाएंगे वही उसी में निक कलेक्शन में और कलर इफेक्ट्स प्रो 4 में। और फ्रेंड्स हम लोग आ गए अपने कलर एफएक्स प्रो 4 की विंडो में, और यहाँ पर इसको सेटिंग में आपको इतना ही रखना है 91, 10, -6 और 29, ठीक है। इतना रखने में आपको जूम करके देख लेना है कंट्रोल प्लस से कि हमारे बाल में थोड़े एडजस्ट बराबर है कि नहीं, तो ठीक लग रहा है। इसको यहाँ से ऐड फिल्टर करके यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फिल्टर अप्लाई हो गया है, और यहाँ से इसको करेंगे जूम हल्का सा, और जो चेहरा वाला पोर्शन है वो हमको इरेज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लेंगे इरेज़र टूल और अपने हिसाब से इसको कंट्रोल प्लस से जूम कर लेंगे, और इरेज़र अपने हिसाब से इसको फेर देंगे। इसकी ऑप्शन देख लेंगे आप राइट क्लिक करके, इसकी हार्डनेस अपने हिसाब से आप कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपना ये बॉडी का जो पार्ट है वो इरेज कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल जूम करेंगे और अपने हेयर की तरफ काम पूरा करेंगे। इसमें हेयर में करना क्या है, हम लोग को हल्के से बाल ऊपर से तरफ खींचने होंगे, तो इसके लिए मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है स्मच टूल। तो इसको और हल्का और जूम कर लें, और इसके ब्रश के साइज़ को जो ब्रैकेट के साइड वाला बटन है, ब्रैकेट के बटन जो बने हुए हैं, इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो बाल का काम है वो हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल माइनस से वापस जूम आउट हो जाएंगे, अब देखेंगे हमें करना क्या है। तो हमारा यहाँ जाएंगे आप डार्क कंट्रास्ट में, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा होगा मर्ज डाउन, वहाँ पर इसको मर्ज डाउन करके आपको नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आप करना क्या है, इसमें आसमान वाली लेयर अलग हो चुकी है और जो मॉडल की लेयर है वो अलग हो चुकी है। अब आपको आसमान वाली लेयर में बादल फिट करने होंगे, तो आपको यहाँ से इसकी स्काई की पीएनजी आपको निकाल लेनी है। इसको बड़ा करने के लिए आपको शिफ्ट और एलटी वाला बटन एक साथ दबाकर अपने माउस से खींचना होगा, तो ये अपने आप बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से इसको नॉर्मल से करके हम लोग कर देंगे स्क्रीन, और एक बादल यहाँ फिट हो जाएगा,
और फ्रेंड्स इसी की लेयर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से ओके करके, और दबा देंगे कंट्रोल जे ताकि इसकी डुप्लीकेट लेयर बन जाए, और यहाँ से इसको उठा के साइड में कर देंगे इस तरह। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे फ़ोटो में कुछ अलग ही लुक आ रहा है, तो बस हमें यही लुक चाहिए था, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ब्लू स्काई एडिटिंग। तो हम लोग अपने अपने बादल को जो क्या करेंगे, बादल वाली जो लेयर है उसको कर देंगे मर्ज यहाँ से, और इसकी ऑपेसिटी जो है अपने हिसाब से हम लोग यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम करना क्या होगा, अपने बादलों को करना होगा हल्का सा ब्लर। तो यहाँ जाएंगे ब्लर में, और गॉसियन ब्लर में जाके जाने के बाद आप अपने हिसाब से मतलब आपको जो स्काई देख रहे हैं उस हिसाब से आप इसको ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इतना रखा है, आप भी इतना रख सकते हैं, ओके कर दीजिए यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि हमारा ये काम इतना हो चुका है, ठीक है। तो इसको यहाँ से कर देंगे मर्ज विजिबल, और ये सारी लेयर आपस में मर्ज हो चुकी हैं। और फ्रेंड्स इसको यहाँ से करेंगे हल्का सा रिटच। फ्रेंड्स हमारा देखते हैं यहाँ पर एक काम और रह गया है, जो ट्रक है यहाँ पर, ट्रक में हल्का सा कलर हल्का सा इसको बढ़ा दें तो फ्रेंड्स ये और भी अच्छी लगने लगेगी। तो वापस जाएंगे हम लोग फिल्टर्स में, और कैमरा फिल्टर में जाएंगे। और यहाँ से कर देंगे इसको ओके। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारी फ़ोटो में कितना बदलाव आ चुका है, और फ्रेंड्स हमारी फ़ोटो कितनी अच्छी बनती जा रही है। अब इसमें डालेंगे हम लोग हल्की सी ऑयल पेंटिंग। तो फ्रेंड्स हम लोग जाएंगे अपने, उससे पहले हम लोग यहाँ इसको डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे यहाँ से इस तरह, और फिल्टर में जाने के बाद हम लोग जाना है हम लोग को नॉइज़ में, और इसमें से ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। इसको यहाँ से ओके, यहाँ से इसको कट, यहाँ से इसको ओके, ठीक है। तो कुछ टाइम लगेगा लेकिन हमारी ये नॉइज़ रिमूव कर रहा है, नॉइज़ रिमूव करेगा लेकिन हमारे साथ में ऑयल पेंटिंग भी हो जाएगी, आपको अभी थोड़ी देर मालूम पड़ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग कंट्रोल प्लस से इसको जूम करेंगे इस फोटो को, और देखेंगे हमारे शर्ट में हल्का सा इफ़ेक्ट आ चुका है, बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट इसमें आया है। और अगर हमें लग रहा है ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है तो इससे ऑपेसिटी से इसको कर देंगे हल्का सा कम, ठीक है इस तरह से। अब इसको कर देंगे यहाँ से मर्ज डाउन, हमारी लेयर हो जाएगी मर्ज यहाँ से। और फ्रेंड्स में हम लोग करना क्या है, जाना होगा फिल्टर्स में, और जाना होगा ये कैमरा फिल्टर में। यहाँ पर अपना स्काई देख सकते हैं हल्का सा ब्लू कम लग रहा है, तो इसको और ब्लू करेंगे। तो यहाँ से इसकी सैचुरेशन जाने के बाद यहाँ से इसको ब्लू को हल्का सा घटाएंगे तो कम हो रही है, अगर बढ़ा दें तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आ रहा है, देख सकते हैं आप फोटो में। बस यहाँ से इसको देना है ओके, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। और हमें जाना होगा, अब इसमें हमको अपनी हल्की सी PNG ऐड करनी होगी, और यहाँ से इसको PNG उठाएंगे, ये वाली 136 वाली उठा के अपने फोटोशॉप में ले जाएंगे, इससे इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से वो जो मतलब अपने PNG कोई भी ऐप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से शिफ्ट और LT का बटन एक साथ दबाएंगे, इससे इसको खींच लेंगे, ठीक है, इससे बड़ा होता है। और यहाँ से नॉर्मल से कर देंगे इसको लाइटनिंग में स्क्रीन में, और यहाँ से इसको हल्का सा इफेक्ट हमें साइड में चाहिए, तो यहाँ से शिफ्ट और LT वाले बटन से इसको कर देंगे हल्का सा बड़ा इस तरह, इस तरह से हल्का बड़ा कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारी फ़ोटो में कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है, और यहाँ से इसको कर देंगे ऑपेसिटी हल्की सी लो ताकि हमारी फ़ोटो थोड़ी ओरिजिनल लगे और लोकल ना लगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो सनलाइट है ये ट्रक में पड़ रही, तो इसको हम लोग इरेज करना होगा। तो यहाँ से इरेजर टूल ले लीजिए ओके, यहाँ से इसको बड़ा कर लीजिए अपने हिसाब से, और यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, इससे क्या होगा हमारे जो फालतू की जो जो लाइटनिंग पड़ रही थी वो चली जाएगी, ठीक। फ्रेंड्स फ़ोटो बहुत ही शानदार बन चुकी है। अब फ्रेंड्स हमें हल्का सा इसको करना होगा रिटच, वो कैसे करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक टूल दिया हुआ है कि जहाँ जहाँ अपने वाइटनिंग कम लग रही है वहाँ हम लोग को वाइटनिंग डालनी होगी। तो यहाँ से कंट्रोल प्लस से कर लेंगे जूम, और फ्रेंड्स आप लोग देखते हैं कि हमारे पैंट में हल्की सी वाइटनिंग कम आ रही है, तो इसको अपने हिसाब से वाइटनिंग यहाँ डाल देंगे ताकि हल्की सी इसकी वाइटनिंग आ जाए।
और यहाँ जाएंगे बर्न टूल में। फ्रेंड्स बर्न टूल में ये होता है कि जहाँ जहाँ हमारी वाइटनिंग ज़्यादा पड़ रही है और वहाँ से इसको हमें ब्लैकनेस करनी है, तो फ्रेंड्स ये टूल के ज़रिए हम लोग वो ब्लैकनेस कर सकते हैं। जैसे हमें शर्ट में यहाँ पर हल्की चाहिए ब्लैकनेस, और यहाँ चाहिए ब्लैकनेस, और यहाँ चाहिए ब्लैकनेस, तो इस टूल की हेल्प से हम लोग ये काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बस वापस से जूम करेंगे अपनी फ़ोटो को, और यहाँ पर हेयर में हल्का सा नीचे साइड दे देंगे हल्का सा ब्लैक ब्लैक शेड, और दोबारा हम लोग जाएंगे इसी टूल पे और ऊपर वाला टूल लेंगे डस्ट टूल। इसमें हल्का सा वाइटनिंग हम लोग बढ़ा देंगे ताकि हमारे बाल हल्के से दूर से लाइटनिंग मारे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो देखिए कितनी अच्छी बनती जा रही है। यहाँ से इसको करेंगे क्रोप, तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ़ोटो हो गई हल्की सी क्रोप, और आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो में बहुत ही अच्छी लाइटनिंग आ रही है। और फ्रेंड्स इसको बोलते हैं ब्लू स्काई एडिटिंग। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारी फ़ोटो में कितना बदलाव आ चुका है। हमारी फ़ोटो पहले कुछ इस तरीके की थी और फ्रेंड्स हमारी फ़ोटो बन गई कुछ इस तरीके की, तो आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं हमारी फ़ोटो में कितना बदलाव आ चुका है। तो फ्रेंड्स यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।